अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, दिस इज अस्मा सलमान उमर फ्रॉम अरहम। और आज मैं डॉक्टर्स के एक पैनल के साथ एक बहुत इंटरेक्टिव सेशन लेकर आप लोगों के सामने मौजूद हूँ। और हम आज बात करेंगे हेपेटाइटिस और उससे रिलेटेड जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसकी जो ट्रीटमेंट्स हैं और उसके डिफरेंट फील्ड्स और उसके डिफरेंट कॉजेज, उन सब के बारे में हम आज बात करेंगे। तो आप लोग हमसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं बहुत सारे इश्यूज के बारे में। और हमारे पास डॉक्टर वली और डॉक्टर मोहम्मद जकरिया साहब इनके जवाब देंगे। तो मैं डॉक्टर वली और डॉक्टर जकरिया को ही बारी बारी मौका दूंगी कि वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराएं, क्योंकि ये सेशन जो इस वक्त हम करने लगे हैं ये अपने काइंड में एक बिल्कुल नई किस्म का सेशन है, जिसमें के एक फिजिशियन और सर्जन रन टाइम पर मौजूद है आप लोगों को गाइड करने के लिए, अवेयरनेस देने के लिए, क्योंकि हेपेटाइटिस और जिगर के मसाइल पाकिस्तान में बहुत कॉमन हैं। और ये हमारी लाइफस्टाइल या हमारे किन किन मसाइल की वजह से ये बीमारी कॉमन है, इसके बारे में हम आज इन लोगों से बात करेंगे। तो आप से मेरे बस यही होगा कि यू नो डू स्प्रेड दिस सेशन आउट देयर, क्योंकि ये पाकिस्तान की जो मोस्ट कॉमन बीमारी है हेपेटाइटिस उनमें से एक है। और सो इनवाइट योर फ्रेंड्स ओवर दिस सेशन एंड यू नो लेट्स पार्टिसिपेट। सो उसको शुरू करते हैं और डॉक्टर साहब डॉक्टर वली से शुरू करते हैं। डॉक्टर साहब आप थोड़ा सा बताएं कि अपने बारे में थोड़ा सा बताइएगा और ये बताइएगा कि अभी इस सेशन में जो हमारी ऑडियंस है वो आपसे किन किन चीज़ों के क्वेश्चंस पूछ सकती है। मेरा नाम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम डॉक्टर वली खान है, मैं गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट हेपेटोलॉजिस्ट लिवर ट्रांसप्लांट फिजिशियन मॉर्निंग में शेखजादा हॉस्पिटल में। और मैं अपनी जो खिदमात हैं सर्विसेज मसूद हॉस्पिटल कलमा चौक लाहौर में मैं अपनी सर्विसेज देता हूँ शाम 6 से 7:30 बजे तक। और मैं लिवर ट्रांसप्लांट एंड उसके रिलेटेड जो हो जो फिजिशियन के इश्यूज होते हैं वो देखता हूँ, हेपेटाइटिस की कॉम्प्लिकेशंस और इसके जो रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं, मुख्तलिफ वजूहत जो होती हैं, वो सारी चीज़ें मैं मैनेज करता हूँ। और इस तरह डॉक्टर जकरिया आप थोड़ा सा बताइएगा अपनी सर्विसेज के बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद जकरिया और मैं हेपेटोबिलरी लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। मैंने अपनी पाकिस्तान से FCPS फेलोशिप कंप्लीट करने के बाद UK से MRCS कंप्लीट किया और उसके बाद फ्रांस से मैंने लेप्रोस्कोप का डिप्लोमा मुकम्मल किया, फिर लिवर ट्रांसप्लांट की फेलोशिप कंप्लीट की 1 ईयर फ्रॉम ताइवान और फिर सेकंड फेलोशिप लेप्रोस्कोपिक लिवर ट्रांसप्लांट साउथ कोरिया से कंप्लीट की। टोटल एक्सपीरियंस मेरा फार ईस्ट का है। और इसके अलावा मेरे 20 से ज़्यादा इंटरनेशनल पब्लिकेशंस, पोस्टर एंड ओरल प्रेजेंटेशन है इन 10 डिफरेंट कंट्रीज। और बेसिकली मैं हेपेटोबिलरी और लिवर ट्रांसप्लांट को और इससे रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसको मैं डील करता हूँ। हेपेटाइटिस कॉमन जो लफ्ज़ आम में जो हम बोलते हैं जिगर की जो सोजिश बोलते हैं इसको, कोई भी जिगर की जो सोजिश होती है उसको हेपेटाइटिस बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में या कॉमन जबान में आम पब्लिक जो है उसको जो है बोलती है कि जिगर की सोजिश हो गई है। जिगर की सोजिश मुख्तलिफ वजूहात से होती है, इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। हमारे पास पाकिस्तान में इसकी जो सबसे बड़ी वजूहात हैं वो वायरसेस हैं जिसकी वजह से ये होती है। वायरसेस भी कुछ वायरसेस हैं जो सिर्फ इलामती तौर पर हेपेटाइटिस करती हैं, तो हेपेटाइटिस ए या हेपेटाइटिस सी, ये जिसको हम आम जबान में पीलिया बोलते हैं, पीलिया जो बोलते हैं या पीला अरकान जो बोलते हैं उसको, तो वो जो हेपेटाइटिस होता है वो आरजी तौर पर होता है, एक्यूट हेपेटाइटिस ए या हेपेटाइटिस ई की वजह से ही होता है। और ये 3 हफ्ते से लेकर 3 महीने तक रहता है। और इसकी जो अलामत होती हैं ये मरीज़ को जो है उल्टियां आती हैं, बुखार होता है, पेट में दर्द हो सकता है और इसके अलावा मोशन आ सकते हैं, खुराक में कमी हो जाती है और इस तरह की अलामत के साथ मरीज़ ये इस किस्म के जो मरीज़ प्रेजेंट करते हैं। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ए जो होता है ये हमारे बच्चे जो हैं छोटी उम्र के जो बच्चे होते हैं जो कि ग्रोइंग एज से गुजर रहे होते हैं यही ज़्यादातर इससे मुतासर होते हैं हेपेटाइटिस ए से। हेपेटाइटिस ई भी
कॉमन है वो भी पीलिया करता है, एक्यूट हेपेटाइटिस करता है, लेकिन वो बड़ों में करता है। और इसके अलावा जो आर्गन ट्रांसप्लांट के जो पेशेंट होते हैं, जो गुर्दा के या लिवर के जो ट्रांसप्लांट के मरीज होते हैं, उनमें ज़्यादातर जो हेपेटाइटिस सी है वो कॉमन होता है। इसके अलावा उसकी वायरल हेपेटाइटिस की जो और वजूहत हैं वो क्रोनिक हेपेटाइटिस जो दूसरी बोलते हैं, उसमें हमारे पास जो हमारे पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा कॉमन है वो हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, हेपेटाइटिस डी है जो कि हेपेटाइटिस बी के साथ मिलके क्रोनिक हेपेटाइटिस करता है। इसके अलावा जो हमारे पास हेपेटाइटिस की जो वजूहत हैं, ड्रग्स की वजह से हेपेटाइटिस होता है, और इसके अलावा मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जिस तरह कॉपर एक मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटी है, कॉपर जो उसकी ये हमारे जिगर में जमा होना शुरू हो जाता है, जिगर के साथ साथ ये दिमाग पे भी असर करता है, और इस तरह के मरीज़ दिमाग और जिगर दोनों की मसलों के साथ ये हमारे पास आते हैं। या फिर हीमोक्रोमेटोसिस एक बीमारी है जो कि आयरन की एक्सेस की वजह से हमारे जिस्म में जो आयरन है वो बढ़ फौलाद जो है जिसको कॉमन लैंग्वेज में हम फौलाद बोलते हैं, फौलाद बढ़ जाता है और फौलाद वो जिगर में जमा होते होते वो जिगर, पैनक्रियाज, लबलबा जिसको बोलते हैं, और दिल को, इन तीनों को इकट्ठे अफेक्ट कर रहा होता है। लेकिन ये जो होता है ये 40 साल के बाद के जो हमारे मर्द ख़वातीन होती हैं उनमें ये प्रेजेंट करता है, ये है जेनेटिक डिजीज़। उसके अलावा जो हमारी जो कॉजेज़ हैं वो बच्चों में होती हैं, कुछ होती हैं जिसको ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज़ बोलते हैं, जिसमें ग्लाइकोजन की एबनॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो जिगर में जमा हो जाती हैं, जो कि अल्टीमेटली वो जिगर की सरोसिस करती हैं और इंडियन जिगर ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा हमारे पास जो मेन कॉज है वो ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं, कुछ ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस जो कि हमारी यंग ख़वातीन जो है इससे ज़्यादा मुतासर होती हैं, और ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस इसको बोलते हैं। उसके साथ साथ उसमें इसकी दो और जो और दो और किस्में हैं, एक प्राइमरी बिलरी सिरोसिस है और प्राइमरी स्क्लेरोजिंग कोलेंजाइटिस है, जो कि अल्टीमेटली हेपेटाइटिस करती हैं और जिगर की फेलियर का वजह बनती हैं। इसके अलावा जो लाइफस्टाइल के रिलेटेड इश्यूज हैं वो अल्कोहल है, अल्कोहल जो है वो जिगर को मुतासर करती है, एक्यूट हेपेटाइटिस भी करती है, क्रोनिक हेपेटाइटिस भी करती है, और जब ये लॉन्ग टर्म में और ज़्यादा एक्सेसिव क्वांटिटी में अगर हम लेते हैं और ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं तो ये अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ करती है, ये बिल्कुल जिगर को ख़त्म कर देती है, जिगर की कॉम्प्लिकेशंस के साथ ये फिर प्रेजेंट करती है। ठीक है डॉक्टर साहब, तो डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच कि आपने डिटेल में आप सब लोगों को गाइड किया। अगर आप लोगों को डॉक्टर साहब की चीज़ों में कोई भी कंफ्यूजन लगी हो तो आप अभी भी हमसे पूछ सकते हैं, और जो आप लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो मैं साथ साथ देखती हूँ, मैं आप लोगों को भी इनका आंसर लेकर देती हूँ। लेकिन उससे मैं पहले थोड़ा सा टाइम दूंगी डॉक्टर जकरिया साहब को कि सर आप थोड़ा सा बताइएगा कि जब एक जैसे अभी उन्होंने बताया कि एक बंदे का जिगर जो है वो ख़त्म हो जाता है, या किन किन सिचुएशन में उन्हें एक सर्जन की जरूरत पड़ती है, जस्ट मेंशन द मेजर पॉइंट्स ताकि जो लोग हमें अभी देख रहे हैं उनको आइडिया हो जाए कि हम इन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। और इसके अलावा मैंने दोनों डॉक्टर साहब की जो मरहम के प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रोफाइल्स हैं वो भी लिंक्स में शेयर कर दी हैं, तो इनकेस आप लोगों ने अभी स्विच करके देखना हो तो आप लोग देख सकते हैं, या आपके कोई भी रिलेटिव या अजीजों अकारिब उनके कोई क्वेश्चन हो तो आप हमसे अभी यहाँ पर पूछ सकते हैं, वी आर हियर फॉर यू। तो जी डॉक्टर साहब थोड़ा सा बताइएगा। जी, इसमें दो चीज़ों को हमें पहले बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि एक तो HPB हेपेटोपैंक्रियाटो बिलरी ये चीज़ है क्या, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग इस चीज़ से फेमिलियर नहीं हैं, क्योंकि इट इज़ ए सब एंड सुपर स्पेशलिटी जस्ट लाइक द ऑर्गन ट्रांसप्लांट की तरह। हेपेटो बिलरी, पैंक्रियाटो बिलरी ये एक अलग स्पेशलिटी है जिसमें एक सर्जन टोटली डील करता है लिवर को, लिवर से निकलने वाली जो नालियाँ हैं और उसके अंदर जो मवाद होता है उसको, और पैंक्रियास, और तीसरी चीज़ आ जाती है लिवर ट्रांसप्लांट। ये टोटल जो सा ये लिवर ट्रांसप्लांट और HPB ये वो चीज़ दोनों ओवरलैप करते हैं। अच्छा, अब जो हम लिवर की जब प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं तो उसमें दो चीज़ें हैं, एक तो वो चीज़ें जो कि बहुत अरसे से ग्रेजुअली डिवेल्प हो रही हैं और जब वो इस स्टेज के ऊपर पहुंच जाती हैं कि जब हम उनको इलाज नहीं कर सकते तो वो अब सर्जिकल साइड पे आ जाती हैं। समटाइम्स HPB यानी कि हेपेटो पैंक्रियाटो बिलरी लिवर, उससे निकलने वाली नालियाँ, पित्ता और पैंक्रियास, समटाइम्स इनमें इनिशियली कोई ना कोई ऐसी डिजीज़ होती है कि आपको
फिजिशियंस के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती, वो आप स्ट्रेट अवे आप एक HPB सर्जन के पास जाते हैं। अब हम इन दोनों चीज़ों को एक अलग-अलग करके देखते हैं। लेट से कि अभी बहुत अच्छी उन्होंने बताया हेपेटाइटिस के, इसके सारी की सारी डिटेल, इसके लिवर की इन्फ्लेमेशन और इसके जो मुख्तलिफ जो वजूहात हैं और फिर आगे इनकी जो ट्रीटमेंट है। अब अगर एक स्टेज आ जाती है, जैसे आज से चंद साल पहले बहुत सारे ऐसे बहुत एडवांस्ड हेपेटाइटिस की इन मेडिसन्स अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी, तो हमारे पास सिरोसिस बहुत ज़्यादा पेशेंट्स थे। लेकिन अब ये थोड़े से ज़रा कम इसलिए हैं कि मेडिकल साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, लेकिन अभी भी हेपेटाइटिस बी और सी ये एक बड़ी कॉमन डिजीज़ है। जब आप किसकी एंड स्टेज आ जाती है हेपेटाइटिस की, जब पेट में पानी आ जाता है या मरीज़ की खून की उल्टियाँ आनी शुरू हो जाती हैं या उसको काले स्या रंग के पखाने आने शुरू हो जाते हैं या उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा अपसेट रहती है, पेट फूल जाता है, तो उस वक़्त हम अमूमन कहा जाता है कि अब इसकी ये कंडीशन है कि इसको लिवर ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत है। अब वो क्या है, वो एक अलग एक मुकम्मल साइंस है कि कौन एक लंबी बहस शुरू हो जाती है। दूसरी चीज़ हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि वो वाली चीज़ें, अगर लेट्स से कि हेपेटाइटिस ही था तो हेपेटाइटिस में ही बाज़ुकात ऐसा होता है कि लाइक जिस तरह से हेपेटाइटिस सी है, हम बहुत से केसेस देखते हैं कि उनके इन मरीज़ों में अल्टीमेटली दे डिवेल्प कैंसर, वो उनमें कैंसर डिवेल्प हो जाता है उनके जिगर में। और हेपेटाइटिस बी में भी इसी तरह बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हम देखते हैं कि उनके जिगर में कैंसर डिवेल्प हो जाता है। अब आज से अगर 10-15 साल पहले देखा जाए, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, मैं पूरी दुनिया की बात करता हूँ, कि जब कभी जिगर में कैंसर आ जाता था तो हम कहते थे कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, अब सिर्फ हम दुआई करेंगे। अब ये वो वाली बात नहीं रही। अब अगर जिगर में कैंसर आ जाता है तो हमारी वो मरीज़ बड़े खुशकिस्मत हैं कि जो कि शुरू की स्टेज के ऊपर ही हमारे पास आ जाते हैं, क्योंकि हमें इल्म है कि हम उतना जिगर का हिस्सा निकाल सकते हैं जिसको हम कहते हैं लिवर सेक्शन। उसको निकालने के बाद आपके जो उनसे सर्वाइवर के चांस, इवन 10 ईयर सर्वाइवर रेट भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये वो खुशकिस्मत हैं जो कि बहुत अर्ली स्टेज के ऊपर आ जाते हैं। इसके बावजूद अगर आपका जिगर में कैंसर फैल रहा है या उसका साइज़ जो उनसे वो बड़ा हो रहा है या जो उसके फिक्स्ड क्राइटेरिया उससे आगे की तरफ जा रहा है, तो हमारे पास ये कोशिश, हम ये कोशिश करते हैं कि अगर हम इसको ऑपरेशन नहीं कर सकते तो कम अज़ कम इस जिगर के कैंसर को कम से कम कर दिया जाए, ताकि मुख्तलिफ तरीक़ों के साथ कोशिश करते हैं कि मरीज़ अपनी तबई उम्र के करीब पहुँच जाए। ये तो सब है जिगर के कैंसर के मतलब हेपेटोबिलरी में। जिगर में ना सिर्फ ये कैंसर की शिकायत होती हैं बल्कि मुख्तलिफ किस्म की रसौलियाँ, जिसमें समटाइम्स खून की रसौलियाँ, खून की रसौलियाँ जिसे हम आम मेडिकल ज़बान में से हेमेंजियोमा कहते हैं, उसको हम अमूमन ऑपरेशन नहीं करते। लेकिन अगर कोई ऐसा कोई ट्यूमर खून का हो जो कि बहुत बड़ा हो और उसने पूरे जिगर को इन्वॉल्व कर लिया हो, तो फिर हम उसको ऑपरेट करते हैं। इसी तरह इन्फेक्शन है लिवर की, मिसाल के तौर के ऊपर मुख्तलिफ सिस्ट हैं, अमीबिक सिस्ट हैं, हाइड्रेटेड सिस्ट हैं जो कि मुख्तलिफ किस्म के हशरात और कीड़ों के वगैरह की वजह से या छोटे छोटे पैरासाइट्स हैं उनकी वजह से, उनको भी फिर हम अगर अल्ट्रासाउंड के ज़रिए ट्रीट ना कर सकें तो फिर हम सर्जरी के ज़रिए करते हैं। फिर इसी तरह अगर आप देखें तो पैंक्रियाज, जैसे आम जबान में लबलबा कहते हैं, अब लबलबे में बेशुमार किस्म के बाज़ुकात सिस्ट आती हैं, उसमें कैंसर आ जाता है, और इसमें समटाइम्स एक वेरी कॉमन कंडीशन एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस है जिसमें बहुत ज़्यादा शदीद पेन होती है मरीज़ के ऊपर वाले हिस्से में, जिसकी वजूहत बेशुमार हैं। बाहर के मुल्कों में अल्कोहल कॉमन है, हमारे मुल्क में पित्ते की पथरी या इससे रिलेटेड वो ज़्यादा कॉमन है। फिर आप देखें कि अब गॉल ब्लैडर की सर्जरी, पित्ते की सर्जरी, अब हम देखें तो हमारे बहुत सारे जो से वह दोस्त साथी ये पित्ते की सर्जरी का ऑपरेशन कर रहे होते हैं, लेकिन अगर जब भी यहाँ पे कोई मुश्किल पेश आ जाती है या उनकी पित्ते की कोई ऐसी एनाटॉमी जो कि आम से हट के होती है, तो इमीडिएटली वो फिर सर्जरी वो स्टॉप कर देते हैं और वो कॉल करते हैं कि किसी ऐसे सीनियर सर्जन को जो कि इस चीज़ को डील कर सके। तो मैं तो इसको ये रिकमेंड कर सकता हूँ कि इवन जो पित्ते की सर्जरी है वो भी एक जो वेल ट्रेंड HPB सर्जन है उसी को ही करनी चाहिए, या वो सर्जन जो कि इसको मैनेज करना जिनको आता हो, कि फर्दर अगर इसकी कॉम्प्लिकेशन आ जाए तो फिर उस वक्त हमने क्या करना है।
इसी तरह पित्ते और इसके पित्ते के इर्द गिर्द जो जिगर से निकलती नालियाँ हैं उनका कैंसर बहुत, अगर वो आप शुरू की स्टेज में उस कैंसर को पकड़ लें तो उसको भी आप जिसको हम आम जुबान में कोलेंजियोकार्सिनोमा कहते हैं, अगर उसको अच्छी तरीके के साथ खून की नालियों की सफाई करके रेस्टोरेटिव सर्जरी भी साथ करें तो इसका भी इलाज मुमकिन है। इसी तरह अगर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है, जिगर के ऊपर कोई चोट लगती है या और मरीज़ के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा अक्यूट एमरजेंसी कंडीशन है तो उसमें भी सम सर्जरी लिवर की सर्जरी करते हैं। समटाइम्स पित्ते से पथरी निकल के आगे चले जाती है तो हम अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट साहब से हेल्प लेते हैं, वो अमूमन इसमें कामयाब हो जाते हैं, वो स्टोन को रिट्रीव कर लेते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि हमें सर्जरी नहीं करनी पड़ती और मरीज़ बगैर ऑपरेशन के ही भी ठीक हो जाता है। क्योंकि अक्सर लोग जो है वो समझते हैं कि जो हल जो है वो या डॉक्टर बड़ी जल्दी सर्जरी रिकमेंड कर देते हैं, लेकिन अभी हमने अपने एक्सपीरियंस से ये देखा है कि नहीं, एक प्रॉपर तरीके से उस हिस्ट्री को फॉलो किया जाता है और देन लास्ट स्टेज के तौर पर सर्जिकल ट्रीटमेंट जो है वो सेलेक्ट किया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, सर्जरी उस वक्त सेलेक्ट की जाती है जब मेडिकल ऑप्शंस जो है हमारे पास खत्म हो जाती हैं। जब किसी मेडिकल ट्रीटमेंट से हम उसको मैनेज नहीं कर सकते तब जाके फिर हमें सर्जरी की जरूरत करने की जरूरत पड़ती है। अच्छा गाइस, अभी हम इसी सेशन के दौरान जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास लोगों के क्वेश्चन आते रहते हैं, तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। मैं उनमें से एक जो हमारे पास पहला सवाल है वो ये कि हेपेटाइटिस से बचने की एहतियात क्या है। हेपेटाइटिस से बचने के लिए जिस तरह मैंने बताया, अच्छा मैं जो पिछली इन कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस डिस्कशन उसमें से एक चीज़ मैं बताना भूल गया, आजकल के दौर में जो हम हमारी जो खुराक है चूँकि वेस्टर्नाइज हो रही है, हम जो खुराक खा रहे हैं खाने पीना करते हैं उसमें फैट्स बहुत ज़्यादा है, जो बर्गर हो गए चीज़ी चीज़ें हैं इस तरह की चीज़ें जो हम खाते हैं, तो हम वेस्टर्नाइज्ड हो गए, हमारी खुराक जो है वो पैटर्न चेंज हो गया है। तो इसमें से एक और बीमारी है जो आजकल बढ़ रही है उसको नेफल्ड बोलते हैं, नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज उसको बोलते हैं, और इसकी एक और वैरायटी जिसको नॉन अल्कोहलिक स्टीओहेपेटाइटिस बोलते हैं, उसकी वजह से भी जिगर की सोजिश होती है। आम जुबान में लोग उसको कहते हैं कि जिगर में चर्बी बढ़ गई है, फैटी लिवर उसको बोलते हैं। तो ये चीज मैं इनका एडिशन कर दूं, यानी अगर हम थोड़ा सा अपना वो खुराक का ख्याल करें, हाँ जी हाँ जी, तो वो भी इसमें जी उसका तरीका यही है कि हम अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करते हैं, उसको हम एक्सरसाइज के साथ उसको कम कर सकते हैं, हम अपनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको कम कर सकते हैं, हम अपने खुराक में कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स हैं उनको कम कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम उस बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। इसके अलावा जो हेपेटाइटिस की जो मैंने वजूहात बताई आपको, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस सी, ये बेसिकली पानी से फैलते हैं, पानी फीको ओरल रूट से, पानी से या बड़े बहाने के रास्ते से। इसके बचाव का सबसे आसान और इफेक्टिव तरीका ये है कि हम हाइजीन, ओरल हाइजीन और हैंड हाइजीन, हम इसके ऊपर तवज्जो दें, हम अपने हाथ साफ रखें, हम जो खुराक इस्तेमाल करते हैं घर में वो हम साफ खुराक इस्तेमाल करें। इसके अलावा जो जो सबसे इम्पॉर्टेंट भी है जो हम अपने बच्चों को कर सकते हैं वो यही है कि जो बाज़ार में जो बाहर खुली चीज़ें मिलती हैं, जो रोड किनारे पे फ्रूट सब्जी की चीज़ें जो उन्होंने काटी हुई होती हैं जो कि वो बेच रहे होते हैं, वो इसका सबसे बड़ा ज़रिया होते हैं। इसके अलावा हमारे बर्तन जो हम घर में धोते हैं, वो जो हमारे जानवर अक्सर हमारे घर में बिल्ली वगैरह जो चूहे वगैरह फिर रहे होते हैं, उससे हमें उनको मतलब है अगर हम अपनी सैनिटेशन का ख्याल रखें, सफाई का ख्याल रखें, तो उससे काफ़ी हद तक इसी से हम बच सकते हैं। दूसरी जो क्रॉनिक हेपेटाइटिस है जो कि हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस सी की वजह से होता है, उनके लिए दवाइयाँ अवेलेबल हैं आजकल, पहले किस दौर में इंटरफेरॉन के इंजेक्शन इस्तेमाल होते थे जो कि काफ़ी अरसे के लिए जिसकी वजह से काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होती थी। आज 2018 में हम बैठे हैं तो इस वक्त हमारे पास हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के लिए ओरल दवाइयाँ अवेलेबल हैं जिनको डायरेक्टली एक्टिंग एंटीवायरल्स बोलते हैं। हमारे पास हेपेटाइटिस सी के लिए बहुत से अच्छी दवाइयाँ अवेलेबल हैं, हम 3 महीने से लेकर 6 महीने तक से उनका इलाज कर सकते हैं, जिनके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत कम है, मामूली से साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जिस तरह दिल का ख़राब होना, सर में दर्द होना, बेचैनी होना या नींद की कमी होना, ये उनके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, और हर बंदे का इलाज हम कर सकते हैं हेपेटाइटिस सी से। और इस तरह हेपेटाइटिस बी के लिए भी दवाइयाँ अवेलेबल हैं जो कि मुख्तलिफ कैटेगरीज को मुख्तलिफ ड्यूरेशन के लिए ट्रीट किया जा सकता है। अक्सर जैसे कि अगर ये मैं थी पुराने में समझी भी जाती थी कि हेपेटाइटिस का इलाज नहीं हो सकता, तो इस सेशन का बुनियादी मकसद ही
उन सब लोगों को ये हौसला देना है कि हेपेटाइटिस के साथ भी आप एक तो उसका इलाज मुमकिन है, वो ठीक हो जाता है, और उसके साथ भी आप एक भरपूर जिंदगी गुजार सकते हैं। तो एक इधर एक क्वेश्चन ये है कि हेपेटाइटिस जो है वो वापस आ जाते हैं, या अगर एक दफा क्योर हो जाए तो उसकी वापसी के कितने परसेंट चांसेस होते हैं? इन केस ऑफ हेपेटाइटिस सी जो है, हेपेटाइटिस सी जो है एक रिट्रोवायरस है, ये हम हाँ इसमें इस तरह होता है जिस तरह हम इंटरफेरॉन इस्तेमाल करते थे, इंटरफेरॉन के बाद उनका जो रिस्पांस रेट होता था वो 40-60%, 40-60% लोगों में ये क्लियर कर देता था, लेकिन जब हम एक साल बाद 6 महीने बाद PCR करते थे तो ये दोबारा आ जाता था। उसके बाद 2014 में एक दवाई है जो आजकल बहुत ज़्यादा मशहूर है, सोवाल्डी के नाम से, आपने सुनी होगी, 2014 से ये पाकिस्तान में आई है, उस वक्त महंगी थी, अब तो काफ़ी सस्ती हो गई है। जब से ये दवाई आई है तो इसका इलाज 6 महीने तक था, आज इस वक्त हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की अच्छी दवाइयाँ हैं जो जिनका लोगों का जिगर इब्तदाई मराहल में इन्फेक्शन होती है और उनका जिगर अभी ठीक होता है, अच्छा होता है ना, अच्छी क्वालिटी में होता है, तो वो 3 महीने तक उनका इलाज कर सकते हैं। अगर उनकी फाइब्रोसिस F2 से नीचे हो, F1 से F2 तक हो, हम उसको 3 महीने तक इलाज कर सकते हैं, 3 महीने तक। उन लोगों में इस वक्त 90-98% तक इस वायरस से बचाव मुमकिन है, इसको ट्रीट किया जा सकता है। इसमें जो चीज़ है SVR बोलते हैं, SVR में इन पेशेंट्स में हम 100% तक अचीव कर सकते हैं। इन केस ऑफ हेपेटाइटिस सी, इन केस ऑफ हेपेटाइटिस बी उसकी दवाइयां हैं, वो कुछ लोग हैं जो ENT पॉजिटिव पेशेंट्स होते हैं उनमें डिजीज जो दवाई है वो लंबे अरसे के लिए देनी पड़ती है, जिस तरह और ENT नेगेटिव जो पेशेंट होते हैं उनमें लाइफ लॉन्ग वो दवाई रिकमेंड की जाती है, और उनमें भी काफ़ी हद तक इस बीमारी से छुटकारा पॉसिबल है, मुमकिन है, हम इससे बचाव कर सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर आया हुआ है, वो है हेपेटाइटिस की वैक्सीनेशन के बारे में, कि शन्ना आबासी ने हमसे पूछा है, हाउ मेनी टाइम वी नीड टू टेक वैक्सीनेशन फॉर हेपेटाइटिस? आई हैव गॉट वैक्सीनेटेड वंस इन माय लाइफ व्हेन आई वाज 12 इयर्स ओल्ड। जो लोग पहले हेपेटाइटिस बी को की वैक्सीनेशन करवा चुके हैं, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन 2005 से ये EPI शेड्यूल में शामिल है। आजकल हमारे जितने भी बच्चे जब पैदा होते हैं उनको फौरन और उसके बाद 3 मुख्तलिफ इंजेक्शन उनको लगाए जाते हैं हेपेटाइटिस बी के लिए, वो हमारी EPI शेड्यूल का हिस्सा है। एक्सटेंडेड जी एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, जो कि हर जगह फैसिलिटी अवेलेबल है इसकी, और जिसके साथ जो बाकी इंजेक्शन जो हिफाजती तदाबीर के जो इंजेक्शन है वो भी इसके साथ दिए जाते हैं, जिस तरह पोलियो के DPT के वो इंजेक्शन भी साथ दिए जाते हैं, तो उसका वो हिस्सा है। तो लाइक हेपेटाइटिस बी की वैक्सीनेशन हो जाती है? जी बिल्कुल बिल्कुल। हेपेटाइटिस ए और सी की करवानी पड़ती है? सी की वैक्सीन इस वक्त अवेलेबल नहीं है, इन प्रोसेस में है, फेज 3 ट्रायल्स में, वो रिट्रो वायरस है, वो वायरस जो है अपनी शक्ल चेंज करता है, जिसकी वजह से अभी तक इसकी वैक्सीन कम्प्लीटली लॉन्च नहीं हो सकी। हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन भी अवेलेबल है, वो भी उसका भी सेम शेड्यूल है जिस तरह हेपेटाइटिस बी का, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी का जो वैक्सीनेशन शेड्यूल है 0-1-6, मतलब 3 इंजेक्शन लगवाने होते हैं और आप उसके अगेंस्ट जो है इम्यूनाइजेशन आप कर सकते हैं। जी जी तो लाइक उनके वो उनसे फिर ये उनको देखना चाहिए कि उन्होंने किस चीज़ की वैक्सीनेशन पहले करवाई थी। जी जिन लोगों ने हेपेटाइटिस बी की पहले वैक्सीनेशन करवाई हुई है, अगर वो अपना स्टेटस चेक करना चाहते हैं कि इस वक्त क्या पोजीशन है, तो वो अपना एक टेस्ट है एंटी एचबीएस लेवल, हाँ जी, एंटी एचबीएस एंटीबॉडीज लेवल है, वो अपना लेवल करवा लें। सारी लेबॉरेटरियाँ करती हैं, शौकत खानम करती है, आगा खान करती है, इसके अलावा चौथाई करते हैं, सारे जो हमारी अच्छी अच्छी लेबॉरेटरीज हैं सारे करते हैं उसको, और अगर वो लेवल मोर देन 10 है तो पर्सन इज इम्यून, अगर वो मोर देन 100 है तो ही सेफ ऑन द सेफ रेंज, अगर मोर देन 10 भी है तो ही इज इम्यून, तो उसको दोबारा वैक्सीनेशन करवाने की जरूरत नहीं है। अगर उसका लेवल लेस देन 10 है तो वो दोबारा वैक्सीनेशन करवाएंगे। ठीक है जी, बिल्कुल सही है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और है हमारे पास, क्वेश्चन ये है कि मेरी अम्मी को हेपेटाइटिस हुआ था लेकिन अब सही हो गया है इंजेक्शन से। जी जी, हेपेटाइटिस होने के बाद अम्मी को ब्लड का बहुत कमी हो जाती है, 7 हीमोग्लोबिन हो जाता है, क्या प्रिकॉशन है या क्या डाइट लेनी चाहिए इनकी अम्मी के लिए बता दें, और वैसे हेपेटाइटिस के मरीज के लिए क्या डाइट होती है उसका भी थोड़ा सा गाइड करें। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हेपेटाइटिस जब एक दफ़ा हो जाता है, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी जो क्रोनिक हेपेटाइटिस है जिसका
पहले इलाज करवा चुके हैं और वो उसे क्योर ले चुके हुए हैं। उन मरीजों के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम टेक होम मैसेज देते हैं कि जो लाइफ लॉन्ग के लिए जो एक इनको ज़रूरी तंबीह की जाती है वो ये कि वो हर 6 महीने बाद अपना एक अल्ट्रासाउंड करवाएं। ठीक है। क्योंकि जिगर जब कमज़ोर हो जाता है जिसको सिरोसिस बोलते हैं तो उसमें कैंसर बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर वो वायरस पॉजिटिव होता है उसके साथ ज़्यादा होते हैं, अगर आप वायरस को ट्रीट कर लेते हैं तो वो उसके इम्कान जो कैंसर बनने के कम हो जाते हैं, लेकिन स्टिल कैंसर बनने के चांसेस होते हैं। तो उनके लिए एक तो यही तंबीह है कि वो हर 6 महीने पे एक अच्छे मुस्तनद डॉक्टर से अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं, देखें कि कहीं पे उसमें कोई दाना निशान वगैरह तो नहीं बना। अगर ज़रूरत पड़ी उसके साथ एक और टेस्ट है अल्फा फीटोप्रोटीन, और अगर उसको कन्फर्म करना है तो हम सीटी स्कैन अब्डोमेन का, स्पेशली लिवर के लिए बायोफिजिक सीटी स्कैन अब्डोमेन बोलते हैं उसको, तो वो करवाना चाहिए हमें ताकि हमें क्लियर हो के ये मसला है या नहीं है। दूसरी बात, जो जिन लोगों में खून की कमी हो जाती है हेपेटाइटिस के मरीजों में, उसमें जो सबसे मेन वजह है वो यही है कि जब जिगर कमज़ोर हो जाता है तो जिगर की जो खून की जो नालियाँ हैं वो वैस्कुलर चैनल्स बाईपास हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से वायरसेस बनते हैं। वायरसेस वो जो खून की जो नसें हैं जिगर जो पेट से जो खून जा रहा होता है वो जिगर के थ्रू जा रहा होता है। जब जिगर कमज़ोर हो जाता है तो वो खून की नसें जो है वो पतली हो जाती हैं, तो उसके बाईपास चैनल बनते हैं। जब बाईपास चैनल बनते हैं तो वो बाईपास चैनल जो है वो मैदा के ज़रिए और इसोफेगस जो खुराक की नाली है इसके ज़रिए ये खून बाकी जिस्म को सप्लाई हो रहा होता है, तो यहाँ पे खून की नसें फूल जाती हैं। तो इनमें इनको एसोफिजियल वायरसेस बोलते हैं। इन वायरसेस से आहिस्ता आहिस्ता अगर वो बढ़ जाती हैं तो इनमें छोटी छोटी हल्की हल्की मिकदार में खून ज़ाया हो रहा होता है। ये मरीज़ या खून की उल्टियों के साथ प्रजेंट करते हैं या उनमें बड़े पखाने के ज़रिए भी काले पखाने आते हैं या फ्रेश ब्लड भी आता रहता है, तो उनको अपना खून के बकायदा टेस्ट करवाने चाहिए और उसके साथ साथ एंडोस्कोपी करवानी चाहिए जो कैमरे के ज़रिए हम मैदे का और खुराक की नाली का मुआयना किया जाए कि कहीं ये मसला तो नहीं है। अगर ये मसला नहीं है तो फिर जो खून के टेस्ट हैं सीरम आयरन की आई बी सी का लेवल ये करवाना चाहिए कि खुराक की कमी है तो खुराक अपनी खुराक को बेहतर करें, जिस तरह के आयरन में जिस तरह अंडे हो गए हमारे गोश्त हो गया मुख्तलिफ फॉर्म में वो इस्तेमाल करें, और इसके अलावा आयरन सप्लीमेंट्स हैं वो रेगुलर मकदार में वो इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी खून की कमी पूरी कर सकते हैं उससे। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने भी डिटेल में जवाब दिया। आई होप कि आपको आप सेटिस्फाइड हुए होंगे इस क्वेश्चन से, और इन केस जो है अगर आप फर्दर वो जैसे कि उन्होंने जो टेस्ट बताए हैं या रिपोर्ट्स वगैरह आप दिखाना चाहें तो आप डॉक्टर वली के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं मैडम के जरिए, ये मसूद हॉस्पिटल में प्रैक्टिस भी करते हैं। तो उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है डॉक्टर ज़करिया साहब के लिए। डॉक्टर ज़करिया साहब आपने ना ये क्वेश्चन को भी ज़रा गाइड करना है। क्वेश्चन ये है कि पूरा मैं वैसे तो क्वेश्चन बता रही हूँ, क्वेश्चन में कुछ तो चीज़ें डॉक्टर वली साहब ने भी एड्रेस किए कि हाउ कैन इट बी प्रिवेंटेड, व्हाट प्रिकॉशंस शुड बी टेकन टू अवॉइड, एंड आई सफर फ्रॉम हेपेटाइटिस सी, हाउ मेनी चांसेस आर देयर टू बी क्योर्ड, आई नो समवन हु वेंट अंडर सर्जरी बट लिव्ड फॉर अ व्हाइल ओनली एंड डाइड, तो उनको इस तरह से कि अगर सर्जरी कराई जाए तो बंदे की क्या हो जाता है, लाइक वो आप थोड़ा सा इंक्वायरी कर दें जी। बहुत अच्छा ये क्वेश्चन आपने पूछा है और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट इशू है, क्योंकि जब अभी भी हमारे मुल्क में बेशुमार ऐसे सेंटर्स हैं जिसमें जहाँ भी ये पता चल जाता है कि इस मरीज़ को हेपेटाइटिस सी है तो एक अमूमन कहा जाता है कि अब हम इसकी सर्जरी पॉसिबल नहीं है, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। हालांकि ये एक बहुत जौनसिया ये बड़ी नामनासिब सी चीज़ है, क्योंकि अगर हम इनके लिवर के फंक्शंस करवाए जाएँ और बाकी टेस्ट वगैरह किए जाए तो ये क्वाइट पॉसिबल कि हम उस चीज़ की मरीज़ की सर्जरी कर सकें। अब अगर वो जिस जो आपके रिलेटिव थी उनकी अगर सर्जरी लिवर से रिलेटेड हुई है, अब चूंकि आपने ये मेंशन नहीं किया ये किस किस्म की ये सर्जरी थी या क्या उन्होंने सर्जरी की डिटेल थी, तो मेरे लिए ये बड़ा मुश्किल है। मैं ये सपोज करता हूँ कि मे बी कि बींग एज एच पी बी सर्जन के आपके जो रिलेटिव थे उनको कोई लिवर का कोई इशू था या लिवर का कोई ट्यूमर था तो उसको वो ऑपरेट किया गया। तो अगर तो ऐसी बात है, हो सकता है कि वो बहुत एडवांस स्टेज के ऊपर हुआ हो जब आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑलरेडी बहुत कम हो चुकी है, क्योंकि अगर तो अर्ली स्टेज के ऊपर अगर तो लिवर सिरोसिस है और उसके बाद कैंसर है, अब दो वो चीज़ें आ जाती हैं, या तो फिर हम ट्रांसप्लांट की तरफ सोचते हैं तो या फिर हम जो है वो टाइम गेनिंग करने के लिए उसको लिवर की सर्जरी करते हैं और साथ ही मरीज़ को मुकम्मल तौर पर बता दिया जाता है कि अगर चाहे ये ट्यूमर बहुत बड़ा था लेकिन हमने इस ट्यूमर को रिमूव कर दिया है,
और इन फ्यूचर में भी देर आर चांसेस के जो माइक्रोमेटास्टेसिस या छोटे छोटे जो से सेल्स हैं कैंसर के वो दोबारा आ सकें, तो उसके लिए फिर हम मरीज को अपनी कंटिन्यूसली इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर रखते हैं और उसका 3 मंथली या 6 मंथली उसको अल्ट्रासाउंड ऑब्लिक सीटी स्कैन एडवाइस करते हैं। और अगर ये इस प्रोटोकॉल के साथ चला जाए तो मीनवाइल जो बाकी का जो लीवर रह जाता है उसके फंक्शंस को हम मॉनिटर करते हैं, और जो ही हमें पता चलता है कि ये एंड स्टेज लीवर डिजीज की तरफ जा रहा है और मरीज मेडिसिन के साथ अब फर्दर ट्रीट नहीं हो सकता तो फिर हम इसको ट्रांसप्लांट ही एडवाइस करते हैं। अच्छा, एक सवाल जो है वो मैं आप दोनों से पूछना चाहूंगी और फिर डॉक्टर ज़करिया आप इसको जरा कंटिन्यू करें कि अगर एक इंसान को लिवर का मसला हो गया तो अभी तक जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है इस सेशन से वो ये भी है कि अगर आपको एक दफा लिवर का इशू हुआ है तो आपने इसके ऊपर अपना फॉलो अप जरूर रखना है, आपने इसको चेक करवाते रहना है कि आपकी जो ये मशीन है ये ठीक चल रही है या कोई इसके अंदर इशू तो नहीं आ रहा। इन केस अगर आप लोग उस इशू को लाइक जैसे कहा कि 6 महीने के बाद अल्ट्रासाउंड करानी चाहिए और उसके ऊपर चेक नहीं रखते तो उसमें खतरा होता है कि ये कैंसर की तरफ या मजीद कॉम्प्लिकेशंस की तरफ चली जाएगी, तो क्या ये इसी तरीके से है? जिगर का जो इनिशियल स्टेज में प्रेजेंट करता है उसको हेपेटाइटिस बोलते हैं। हेपेटाइटिस सिंपल सोजिश को बोलते हैं, या तो एक तो होता है इन्फेक्शन वो है कि एक बंदे को हेपेटाइटिस ए हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, हेपेटाइटिस सी हो गया, उसको सिंपल इन्फेक्शन बोलते हैं। हेपेटाइटिस तब बोलते हैं जब उसका जिगर मुतासर होना शुरू हो जाता है, जब उसके एंजाइम्स ALT AST हो और जिगर के जो एंजाइम हैं ये बढ़ना शुरू कर देते हैं, उसको हम हेपेटाइटिस बोलते हैं। मुख्तलिफ बीमारियों हैं उनका मुख्तलिफ ड्यूरेशन है। जिगर जब बिल्कुल ख़त्म हो जाता है तो उसको सिरोसिस बोलते हैं, सिरोसिस ऑफ लिवर। सिरोसिस ऑफ लिवर मुख्तलिफ बीमारियों का ये मुख्तलिफ है। अब जिस तरह बच्चों की बीमारियाँ हैं जिसकी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स विल्सन डिजीज़ है, ये 3 महीनों से लेकर 60 साल तक के दरमियान में प्रेजेंट कर सकते हैं। कॉपर डिपोजिशन की वजह से होता है, एंजाइम की वजह से जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है। इसी तरह हीमोक्रोमेटोसिस है, ये ओल्ड एज में प्रेजेंट करता है, 40s के बाद जाके प्रेजेंट करता है। बाकी जो बीमारी है हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी सिरोसिस में कन्वर्ट होने के लिए उसको 10 से 12 साल चाहिए होते हैं हेपेटाइटिस बी को। हेपेटाइटिस सी टुक सम अप टू 20 इयर्स, 18 to 20 इयर्स उसको लगते हैं कि अगर वो इन्फेक्शन से लेकर सिरोसिस में जाता है मरीज। बहुत से लोगों को कुछ नहीं होता जब वो आपके पास आते हैं, 18 to 20 इयर्स हेपेटाइटिस सी, और हेपेटाइटिस बी जो है वो 10 से 12 साल के दरमियान में सिरोसिस में जाता है। और अगर वो दरमियान में अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाते रहे तो ये कंडीशन बचाई जा सकती है। हम इस वक्त आज के 2018 में इस वक्त में हमारे पास बहुत अच्छे से अच्छी दवाइयां हैं हेपेटाइटिस सी के लिए, हम इसको मुकम्मल तौर पर इससे छुटकारा पा सकते हैं। हमारे पास मुख्तलिफ दवाइयां हैं जो कि इस वक्त अवेलेबल हैं इंटरनेशनली, और रिसर्च ब्रांड्स हैं वो, हम इसे 100% इससे छुटकारा पा सकते हैं। बिल्कुल ठीक जी। डॉक्टर साहब, अब जो पेशेंट जिनके अंदर ये अब इशू आ गया कि वो अब उन्हें उनको कैंसर है या उसके सिम्टम्स आ गए, तो उसके इलाज का प्रोसेस क्या होता है और इसके ऊपर एस्टिमेटेड कितना खर्चा होता है और कितनी देर लगती है रिकवर करने में, इसके बारे में आप थोड़ा सा गाइड करना है जी। और इसमें हम ये सपोज कर लेते हैं कि क्योंकि जब हम कैंसर की बात करते हैं तो इसको फिर हम स्टेजेस में डिवाइड कर देते हैं कि ये स्टेज 1 का कैंसर है, स्टेज 2 का कैंसर है, स्टेज 3 है या स्टेज 4 है। और फिर ना सिर्फ इसको स्टेज में डिवाइड करते हैं बल्कि इसके साथ साथ कैंसर के अलावा उसकी जिगर की अपनी कंडीशंस को भी हमने सामने रखना है। अब अगर शुरू की स्टेज का कैंसर है, लेट्स से कि अगर 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर का ट्यूमर आ गया है, तो 2 सेंटीमीटर के ट्यूमर के ऊपर तो अभी पूरी दुनिया में मुख्तलिफ किस्म के जो है वो राय पाई जाती हैं। कुछ कहते हैं कि आप इसको बगैर सर्जरी के इसको ट्रीट करें, कुछ कहते हैं कि आप इसको सर्जरी में भी कर दें, और अब एक और डिस्कशन शुरू हुई है कि अगर 2 सेंटीमीटर का ट्यूमर है आया इसकी हम सर्जरी करें या स्ट्रेट अवे इसको ट्रांसप्लांट की तरफ लेके जाएं। लेकिन हम इसको ये देखते हैं कि अगर 1 से 2 सेंटीमीटर का ट्यूमर है तो उसको फिर हम बगैर सर्जरी के भी मैनेज कर सकते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन के ज़रिए। लेकिन ये अमूमन ये उस वक्त ये तरीका भी फेल हो जाता है कि जब अगर ये 2 सेंटीमीटर का ट्यूमर अगर किसी खून की बहुत बड़ी नाली के पास हो या किसी ऐसी जगह के ऊपर हो जहाँ पे ये नीडल नहीं जा सकती, तो फिर हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं होती कि हम इसको
ऑपरेशन ही के ज़रिए इसको रिमूव किया जाए। अगरचे कुछ लोग कहते हैं कि आप अल्कोहल का इंजेक्शन भी इसमें इंजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसकी रिजल्ट्स रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन से इन्फीरियर ही हैं, सम बट कंपेरेबल है या कोई इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। अब अगर हम इसको बात करते हैं कि स्टेज, हाँ, और अगर इस लेवल के अगर हम ऑपरेट करते हैं तो इसमें टोटल पेशेंट्स को पहले चंद दिन उनको हम इन्हें शोबा इंतहाई निगहदाश्त में रखते हैं, और उसके बाद जब हम वार्ड में शिफ्ट करते हैं तो मैक्सिमम इसको 6 to 7 days में मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाता है कि अगर कोई इसको कोई एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेशन ना हुई हो, और आफ्टर 1 month पेशेंट इज़ बैक टू देयर जॉब। और इसमें अगर कॉस्ट वाइज किया जाए तो इसमें डिपेंड करता है कि आपने कौन से इंस्ट्रूमेंट्स इस्तेमाल किए हैं और आपने किस अप्रोच से किया है, क्योंकि मैंने फॉरेस्ट में इसको लेप्रोस्कोपिक लिवर सर्जरी और लेप्रोस्कोपिक लिवर सेक्शंस के ज़रिए अगर हम इसको ट्रीट करते हैं, लेप्रोस्कोपिक लिवर सर्जरी करते हैं, तो उसकी कॉस्ट मे बी इट कैन गोस अप टू द मिलियन, 7 to 8 lakh तक चली जाती है। लेकिन अगर आप इसको बगैर इसको ओपन सर्जरी के ज़रिए करते हैं तो ये 4 to 5 lakh में भी ये ऑपरेट लिवर का कैंसर मुकम्मल किया जा सकता है। अब अगर इसकी दूसरी बात करते हैं कि अब ये ट्यूमर जोन से है वो ज़्यादा बड़ा हो गया है, अब ये 3 to 4 centimeters या उससे ज़्यादा हो गया है, और एक थर्ड स्टेज के इससे ना सिर्फ ज़्यादा हो गया बल्कि ये पेट में फैल गया है, अब हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। अब अगर ये 3 to 4 centimeters का ट्यूमर है, फिर अगेन हमने ये देखना है कि ये जिगर के किस हिस्से में है, तो जब हम इसको लिवर के प्रोटोकॉल से सीटी स्कैन करते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि ये कैंसर जिगर के इतने हिस्से में और फलां जगह के ऊपर वाकया है। फिर हमने ये देखना है कि अगर हम इतने हिस्से को निकाल दिया जाए तो जिस तरह ट्रांसप्लांट में होता है कि बाकी का जिगर जो रह गया बाकी, क्या वो इतना इस काबिल है कि मरीज़ को सपोर्ट कर सके, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम या तो उसका ICG टेस्ट करवाएँ या फिर हम इसको ये CT स्कैन के ज़रिए ये एस्टिमेट कर लिया जाए कि इसका कितना जिगर का वॉल्यूम बाकी है। और मिसाल के तौर के ऊपर पहले कहा जाता था कि जो बाएं तरफ के ट्यूमर हैं उनका ऑपरेशन उनका बहुत आसान है, लेकिन अब चूंकि मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि बेशक अब कैंसर वो लेफ्ट साइड के ऊपर हो या वो राइट साइड के ऊपर हो, राइट जिगर को फिर हम फर्दर डिवाइड करते हैं, वो वाला पोर्शन जो कि बिल्कुल सामने है और वो जिगर का जो कि बैक साइड के ऊपर है, इवन जो बैक साइड का जो ट्यूमर है वो पीछे की तरफ गया हुआ आता है उसको भी हम कैंसर उसको भी हम जो ट्यूमर को बड़े आसानी के साथ निकाल सकते हैं। लेकिन हमें प्रॉब्लम उस वक्त ज़्यादा पेश आती है कि जब हमें ज़्यादा जिगर निकालना हो और जो बाकी जिगर वापस रह जाता है वो ऑलरेडी, जैसे इन्होंने डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बताई थी कि वो सिरोटिक लिवर होता है जो कि इस काबिल नहीं रह जाता कि वो उसको सपोर्ट करे, तो फिर हमारे पास और कोई चांस नहीं होता कि या तो हम टाइम गेन करें और बग़ैर ऑपरेशन के जो तरीके हैं लाइक कीमो एम्बोलाइजेशन के ज़रिए उसको ट्यूमर को कम कर दिया जाए, या फिर और इसकी कीमोथेरेपी या मुख्तलिफ़ किस्म की जो चंद एक अद्वियात हैं उनके ज़रिए इसको जस्ट फॉर द गेनिंग द टाइम। इसमें यह इम्पॉर्टेंट चीज़ समझने वाली है कि अगर एक मरीज़ के पेट में पानी भी है और इसके अलावा उसको साथ पानी से मराद ये कि उसकी एंड स्टेज लिवर डिजीज़ है और उसके साथ उसको कैंसर भी शामिल है, तो हमारी मैक्सिमम कोशिश होती है ऐसे मरीज़ की हम सर्जरी ना करें, क्योंकि इसके बाद हमें इतना सर्जरी के बाद इसके कोई रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं आते, तो हमारी तमाम ही ऑप्शंस होती हैं कि हम इसको बग़ैर सर्जरी के ही इसको प्रोसेस को डिले कर दिया जाए या इसको जितनी मैक्सिमम सर्वाइवल बेनिफिट हम दे सकते हैं हम इसको दें। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। देख सोचे इस बारे में तो ये काफ़ी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन थी कि उन्होंने पूरा प्रोसेस बताया कि ये किस तरीके से होता है। तो इसके अंदर डॉक्टर साहब मैं आपसे भी ये पूछना चाह रही थी कि जैसे कि अभी जब हम ये प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी डॉक्टर साहब से बात हो रही थी तो इन्होंने बताया कि इन्होंने आज तक जो है वो 135 लिवर ट्रांसप्लांट किए हैं और इन्होंने अपनी पूरी ट्रेनिंग जो है वो ली है ताइवान और दो तीन चीज़ें इसमें हैं कि अमूमन अगर आप UK या ऑस्ट्रेलिया या अगर अमेरिकन साइड के ऊपर चले जाएं और इवन फॉर ईस्ट में भी जो लिवर सर्जरी के जो HPV हैं उनके हमेशा उन्होंने दो यूनिट्स हैं, एक है वो लिवर ट्रांसप्लांट का है और एक HPV सर्जर है।
लेकिन इसमें चूँकि ओवरलैप इतना ज़्यादा है कि जो लिवर ट्रांसप्लांट है वो HPV में जो वो सारे के सारे कर रहे होते हैं, लेकिन अमूमन देखा गया है कि जो HPV सर्जन है वो बहुत कम लिवर ट्रांसप्लांट की तरफ आते हैं। तो जिसने जो लिवर ट्रांसप्लांट ये किया होता है उसके लिए HPV कोई बहुत ज़्यादा ऐसा, क्योंकि वो उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। मिसाल के तौर पर आप देख लें कि अगर UK में देख लें, एक रॉयल इन्फर्मरी हॉस्पिटल या इस तरह का हॉस्पिटल है, दैट इज़ बेसिकली ओनली फॉर दी ट्रांसप्लांट, जबकि लिवर ट्रांसप्लांट, जबकि इसी के साथ का एक दूसरा हॉस्पिटल इसी नेम से साथ है, दैट इज़ फॉर दी HPV सर्जरी। फार ईस्ट में लाइक कोरिया और जैसे अमूमन जापान में भी मैंने चंद एक सेंटर्स को विज़िट किया, और इस तरह टर्की में भी बास्केंट यूनिवर्सिटी उसमें भी मैं गया, और ताइवान में काओशियंग में एक साल मैंने इसकी फेलोशिप विद रिसर्च पेपर कम्प्लीट की। इसमें ये ओवरलैप है कि जो ट्रांसप्लांट है वो HPV सर्जरी, ये दोनों ही ये यूनिट्स करते हैं। तो ये इसलिए ये कोई इतना कोई दैट इज़ नॉट ए बिग इशू। अच्छा सर, एक अगर मैं आपसे पूछूं कि जो सर्जरी है, सर्जरी का एक बड़ा खौफ होता है पेशेंट के जहन में या उसकी फैमिली के जहन में, और उसके अलावा ये है कि पाकिस्तान में ये चीज़ें भी ज़रा नई नई इंट्रोड्यूस हुई है, लिवर का सर्जिकल ट्रीटमेंट और ये सारी चीज, तो इसके बारे में आपका छोटा सा एक मैसेज उन सब लोगों को जो मे बी डिसीजन ले रहे हो या डिसीजन लेने की पोजीशन में हो या थोड़े से डरे हुए हो कि पता नहीं ये सही है या नहीं है, मे बी अगर सम टाइम अगर आगे चल रहे हो कभी कोई रेफरेंस के तौर पर ये वाली वीडियो एक दूसरे से शेयर कर रहा हो कि नहीं मे बी ये देखे डॉक्टर जकरिया ने कहा था कि इट्स ऑल राइट, तो क्या आप मैसेज देंगे इसमें? मैं और सॉरी मैं छोटी सी चीज ऐड करना चाहूँ, क्योंकि मैंने हमने काफी सारी जगहों पर देखा, तो जो लिवर ट्रांसप्लांट या जो ये लिवर का ट्रीटमेंट है ये सिर्फ उस बंदे का ट्रीटमेंट नहीं होता, इसमें पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो रही होती है, और इसमें मरीज का ख्याल रखना और इवन उसकी जो पूरी फैमिली है उसकी एजुकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसमें थोड़ा सा ऐड करना है। जी, ये इसमें हिपेटोबिलरी और लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी, इसमें ये बहुत सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि डे वन से हमारी ये कोशिश होती है कि मरीज़ और उसके अटेंडेंट्स इन सबको हम साथ साथ लेके चलें, और इनको बहुत सारी चीज़ें, सबसे पहले अगर हम ये देखते हैं कि आया इसका ट्रीटमेंट ऑप्शंस में क्या है, हमने इसको सर्जरी की तरफ लेके जाना है या इसको ट्रांसप्लांट की तरफ लेके जाना है, ये फिर हम दोनों चीज़ों के इसके प्लस और माइनस बेनिफिट्स भी बताते हैं, और उसके बाद उनके ड्रॉबैक्स और डिसएडवांटेजेस भी बताते हैं। अगर आपको ये कहा जाता था कि पहले ज़माने में हम डॉक्टर साहब के पास गए थे, अब डॉक्टर साहब आप बताएं जो आप कहेंगे हम वो करेंगे, अब ये वो दौर नहीं है। अब हम आपको कहते हैं कि जो आप कहेंगे हम वो करेंगे, क्योंकि हमने आपको ये बताना है कि ये चीज़ है, ये इसका ये फ़ायदा है और इसका ये नुकसान है, अगर आप इसको ये करते हैं तो लिटरेचर में आपको इतना फ़ायदा होगा और इतना जो है वो उसके मुताबिक आपको नुकसान है, और अगर आप इस रास्ते को अडॉप्ट करते हैं तो इसमें आपका ये फ़ायदा है या ये नुकसान है, तो अब आप इसको कंपेयर करें आप अपने मरीज़ की बीमारी से, आप अपने इकोनॉमिक स्टेटस से, और आप अपने ये जो इन फ्यूचर कि आप इसको फर्दर किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। हमारी ये कोशिश होती है कि जो बेस्ट अवेलेबल रिसोर्सेज फ्रॉम द पेशेंट साइड, जो पेशेंट्स के बेस्ट अवेलेबल रिसोर्सेज हैं और जो वो खुद समझता है कि मैं इस ऑपरेशन के बाद, मिसाल के तौर पे अगर मैं इतने से 4 या 5 मिलियन का अगर मैं ट्रांसप्लांट करवाता हूँ और उसके बाद भी मैं इस काबिल हूँ कि मैं इसके पर मंथ इतने इतने एक्सपेंसेस में टॉलरेट कर सकूँ, तो वो तो फिर हम उसको बड़े हैप्पीली इसको एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन वो वाले पेशेंट जो ये समझते हैं कि ये हमारी ये दस्तरस से बाहर है ट्रांसप्लांट, आप हमें ट्रांसप्लांट के अलावा कोई तरीका बताएं, तो फिर हम उनको जो है वो सिंपल ऑपरेशंस जैसे कैंसर सर्जरी या दूसरी सर्जरी या उसको फर्दर मेडिकल के लिए ट्रीट करना है वो फिर हम उसको गाइड करते हैं। मैंने ये देखा है कि अमूमन जो पेशेंट्स के अगर डेली अगर काउंसलिंग और उनकी डेली मीटिंग की जाए और उनको पेशेंट्स को उनकी कंडीशंस को डेली या एटलीस्ट अल्टरनेट डे के ऊपर पेशेंट और उनके अटेंडेंट्स को बताया जाए, तो मेरा भी ख्याल कि पेशेंट्स को खुद भी वो फील करते हैं कि हाँ अब ये चीज़ हुई है और अब ये चीज़ हुई है, तो वो उसके वो पेशेंट्स ही खुश रहती हैं। और मैं एट दी एंड यही कहूँगा कि ये HPV LT पहला जो लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट था वो इसकी हिस्ट्री जो सी है वो mid-80s से स्टार्ट हुई है, अगरचे उससे पहले भी कुछ यूरोपियन साइड के ऊपर कुछ हुए हैं, लेकिन एशिया में ये 84 में ये फार ईस्ट में ही ये सबसे पहले अटैम्प्ट हुई थी। और अगर हम अपने हमसाया ममालिक में देखा जाए तो इन वहाँ पे भी ये जो से जो ट्रेन UK से ट्रेंड होके जो सर्जन्स आए थे
उन्होंने अर्ली 2000 में ये एक्सपर्टीज गेन की थी लिवर ट्रांसप्लांट की। ओवरऑल इसने ज़्यादा तरक्की की है जो फर्स्ट डेकेड ऑफ 2000, उसमें फिर ये जींस बहुत ज़्यादा जो इस्टेब्लिश हुई है और इसके अब आहिस्ता आहिस्ता रिजल्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड इसके अब अच्छे आने शुरू हो गए हैं। इसलिए अब आपको दो इसको अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि बाहर के मुल्कों में बहुत सारी ये चीज़ें ऐसी हैं जो कि हेल्थ इंश्योरेंस के अंडर हैं। अभी हमारे पास ऐसी कोई इस तरह की ये चीज़ नहीं हुई, अगरचे पंजाब गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप उठाया और उन्होंने बहुत सारे केसेस में सब्सिडी भी दी, पेशेंट को फाइनेंशियली सपोर्ट भी किया, और इसमें फर्दर भी अभी मजीद बहुत कुछ काम करने की ज़रूरत है। मैं इसमें कुछ एडिशन करना चाहूँगा डॉक्टर ज़करिया। लिवर ट्रांसप्लांट हम मरीज़ के लिए तब कंसिडर करेंगे जब सिरोसिस और उसकी कॉम्प्लिकेशन आना शुरू हो जाती है। हम हर किसी हर मरीज़ को हम लिवर ट्रांसप्लांट की तरफ नहीं लेके जाते। सिरोसिस की जो मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशन है, जिस तरह पेट में पानी आ जाना, खून की उल्टी हो जाना, जिस तरह के बार बार बेहोशी हो जाना, जिसको पोटोसिस्टमिक एन्सेफलोपैथी बोलते हैं, वो हो जाना, या इसके अलावा HRS है जिसकी जिगर की इस बीमारी की वजह से पेट के पानी की वजह से गुर्दा जो इफेक्ट होता है वो हो जाना, या SBP एक इसी के रिलेटेड जो जिगर पेट में पानी है उसका इन्फेक्शन हो जाना, ये जब अगर कंडीशन होती हैं और ये इतनी, या इस तरह हेपेटोपेलिनरी सिंड्रोम इस बोलते हैं कि जिगर के इसी मसले की वजह से छाती में पानी बन जाता है, हमारी छाती में हेपेटिक हाइड्रोथोरक्स इसको बोलते हैं, हेपेटोपल्मोनरी सिंड्रोम बोलते हैं, या पोटोपल्मोनरी हाइपरटेंशन इसको बोलते हैं, अगर ये मसले आते हैं या फिर जिगर में कैंसर बन जाता है, कैंसर भी उसके भी फिर अपना क्राइटेरिया, एक मिलान क्राइटेरिया है, एक UCSF क्राइटेरिया है। मिलान क्राइटेरिया में यही है कि अगर एक जिगर का एक फोड़ा है, कैंसर एक लिजन है, अगर वो 5 सेंटीमीटर तक का है या 2 या 3 तक हैं, और सबका जो कलेक्टिव साइज़ है वो 8 सेंटीमीटर तक अगर बनता है, उन मरीजों को हम जिगर ट्रांसप्लांट ऑफर कर सकते हैं। दूसरा इसका एक और मॉडिफाइड फॉर्म है UCSF, यूनाइटेड स्टेट जो UCSF क्राइटेरिया है उसको थोड़ा उन्होंने ज़रा एक्सपेंड किया हुआ है। उसमें ये है कि अगर एक लिजन है, मतलब एक रसोली है, वो उसका जो साइज़ है वो 6.5 सेंटीमीटर तक अगर जाता है तब भी हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, या 3 और 3 से ज़्यादा हैं जिसमें सबसे बड़ा साइज़ जो है वो 4.5 सेंटीमीटर हो और टोटल साइज 8 सेंटीमीटर से ज़्यादा ना हो, उसको भी हम ट्रांसप्लांट ऑफर कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो और चीज़ें हम देखते हैं वो ये देखते हैं कि कहीं खून की नालियाँ तो इन्वॉल्व नहीं हुई, क्या ट्यूमर स्प्रेड तो नहीं किया हुआ। अगर ट्यूमर का साइज़ इन चीज़ों से हट के जो मैंने साइजेस बताई हैं आपके, तो बीमारी के वापस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। 20-30% इस बीमारी के वापस आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और वो बहुत जल्दी वापस आ जाते हैं, क्योंकि ट्रांसप्लांट के बाद जो हम दवाइयाँ देते हैं जो कि इम्यून सप्रेशन दवाइयाँ, वो हमारे इम्यून सिस्टम को डाउन कर देती हैं और कैंसर एकदम ऊपर आ जाता है। तो इसका फिर ऐसी स्टेजेस में आप कैंसर ऑफर नहीं कर सकते। गवर्नमेंट पाकिस्तान में इस वक्त ट्रांसप्लांट फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, हमारे पास सेंटर्स हैं, पब्लिक सेक्टर में भी हमारे पास सेंटर है, शेखजाद हॉस्पिटल में हम 130 से ज़्यादा ट्रांसप्लांट कर चुके हैं, लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांटेशन। जो पहला ट्रांसप्लांट हुआ था वो तो कैडेवरिक ट्रांसप्लांट था, तारिकोंगे साहब और आमिर लतीफ साहब ने किया था, और इसके अलावा हमारे पास दूसरा सेंटर है वो शिफा इंटरनेशनल है, वो ऑलमोस्ट 550 से ऊपर ट्रांसप्लांट कर चुके हैं। एक नया दायरा बन रहा है यहाँ पे PKLI पाकिस्तान किडनी एंड लिवर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो बन रहा है, उसमें भी ये ट्रीटमेंट आएंगे इंशाल्लाह वेरी सून, वो भी इससे ये पाकिस्तान में हमारे अपने मुल्क में ये सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद बहुत ज़्यादा है कि फ्यूचर में हमारे पास हेपेटाइटिस और इसकी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन इन मसलों को हम आसानी से ही मैनेज कर सकेंगे, और हम मसूद हॉस्पिटल में ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और हम अपने मरीजों को इफेक्टिवली मैनेज कर रहे हैं। अच्छा सर, इधर मैं अब अगर हम आए सर्जरी से वापस और अपने लाइक मैं इसको सेशन को रैप अप करूंगी, एंडिंग नोट आपका एक मैसेज पाकिस्तान के लोगों के लिए कि हेपेटाइटिस से कैसे अपने आप को बचाएं। हेपेटाइटिस जिस तरह मैंने बीच में पहले भी एक बताया था कि हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई जो है वो खुराक की चीज़ों से ही स्प्रेड होता है, फीको ओरल रूट से, उसके लिए तो बेसिक मेजर्स यही है कि ओरल हाइजीन का ख्याल किया जाए, सफाई का ख्याल किया जाए, मैं अपने बच्चों को जब दूध पिलाएं तो अपने हाथ साफ करें, और छोटे बच्चों को हाथ खाना जब खाना खिलाने लगें तो उनके हाथ साफ करें, उनको ताज़ा खुराक दें, घर में बनी हुई चीज़ें दें उनको, बाज़ार में जो रेडियो पे जो चीज़ें मिल रही होती हैं वो चीज़ें वो ना दें, बच्चों को ना दें,
इसके अलावा पानी बच्चों को उबाल के पिलाएं या फिल्टर वाले पानी पिलाएं। हेपेटाइटिस बी हेपेटाइटिस सी से हेपेटाइटिस बी से बचाव का तरीका यही है कि वैक्सीनेशन करवाई जाए। वैक्सीनेशन इसका सबसे इफेक्टिव हल है और उसी से 100% प्रोटेक्शन पॉसिबल है। अच्छा एक आम मतलब वो एंड के ऊपर कोई क्वेश्चंस, दूसरा जो कोई क्वेश्चन है वो यही है कि कैसे एक बंदे को ये पता लगता है कि यार उसको ये सिम्टम, पहला सिम्टम हेपेटाइटिस का क्या आप बताना चाहेंगे कि जिसके बाद एक बंदे को लगता है कि हाँ मुझे जाकर टेस्ट थकावट, जोड़ों में दर्द है। कॉमन है, आप समझ लें कि जिस हेपेटाइटिस यही पता चलेगा अगर ये सिम्टम प्रोलॉन्ग्ड है, अब लंबे अरसे तक चली जाती है। कोई भी वायरस इन्फेक्शन है वो हेपेटाइटिस की तरह ही प्रेजेंट करता है, जैसे फ्लू बहुत देर से बुखार है या जी जी। अगर वो 2-3 हफ्ते से ज्यादा उसके सिम्टम बढ़ जाते हैं तो उसके बारे में सोचे कि कहीं ये चीज तो नहीं है। हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी के टेस्ट हैं एचबीएस एंटीजन एंटीएचसीवी बाय एलाइजा। ये एक सिंपल टेस्ट है, स्क्रीनिंग के जरिए ये 100 रुपए का होता है और अगर बाय एलाइजा करवा लिया जाए तो ये 450-500 रुपए में कम्प्लीट ये टेस्ट हो सकता है जो कि 95% तक रिलायबल है। और मैं सिर्फ एक बार फिर रिमाइंड करा दूं कि अगर आप वो टेस्ट कराएं जिसमें अगर आपका 10 नंबर तक हो तो इसका मतलब है कि आप इम्यून है, आप सेफ रेंज में। एनटीएचबीएस लेवल हेपेटाइटिस बी के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज हैं अगर वो मोर देन 10 है यू आर इम्यून, यू आर ऑन द सेफ साइड, आपको दोबारा वैक्सीनेशन करवाने की जरूरत नहीं है। अच्छा जो सब लोग हमारा प्रोग्राम देखे उनको बताते चलूं कि इस प्रोग्राम के जो स्मॉल टिडबिट्स हैं वो हम आप लोगों के साथ जो है वो कल अपने मालूम के पेज के ऊपर शेयर कर देंगे। लाइक जो डॉक्टर साहब ने टेस्ट बताए या जो कुछ सिम्टम्स बताए हैं या जैसे कि हेपेटाइटिस जिन लोगों को हो गया हो उनके लिए क्योर क्या है, ये लोग कहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, अगर आप लोग इनसे इन पर्सन मिलना चाहें जिनसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आए हुए थे तो आप कहाँ पर देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड डॉक्टर साहब आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आई एम श्योर कि ये जो ये जो छोटी सी वीडियो है कुछ थोड़ी सी देर की ये हेपेटाइटिस के इलाज के सिलसिले में और लोगों में अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। सो थैंक यू फॉर कमिंग ओवर एट द प्लेटफॉर्म ऑफ मरहम। और आप लोगों को भी अगर कोई भी हेपेटाइटिस से रिलेटेड मसला हो आप लोग इसी वीडियो के नीचे भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट marham.pk पे जाकर सवाल भी पूछ सकते हैं या आपने किसी भी डॉक्टर से या इन लोगों से अपॉइंटमेंट बुक करानी हो और अपने इलाज को फर्दर आगे बढ़ाना हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, हमें खुशी होगी आपकी मदद करके। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।